मसान
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। सभी सहधर्मियों को जय जिनन। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय हम विगत 28 दिवसों से कर रहे हैं और इसमें अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कल जिस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी इसमें 83 नंबर का ये पॉइंट था। इस विषय से आगे चर्चा को लेके बढ़ेंगे। आवाज कैसी आ रही है आपने? कम आती अभी देखिएगा ठीक है थोड़ा गला भी मेरा आज से दिक्कत कर रहा है दोपहर से तो इसलिए मैं बहुत जोर से बोलने का कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं फिर भी आवाज आपको पहुंचती होगी। पर्याय को स्वांग समान जानकर व्यर्थ जीवन के मोहवश अस्पताल में ले जाने अभक्ष दवाइयों देने का प्रथम ही दृढ़ता पूर्वक लिखित निषेध कर दें। इस विषय की चर्चा अपनी कल चल रही थी कि जिसको ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना है समाधि पूर्वक देह का त्याग करने का जिसे भाव हो ऐसे जीवों को पर्याय का स्वांग समान समझ कर पर्याय कैसी है स्वांग स्वांग मतलब एक तरह से जैसे कोई वेश धारण कर लिया जाए तो कुछ समय के लिए जो वेश धारण किया जाता है ऐसे ये वर्तमान पर्याय या मनुष्य आदि पर्याय के अलावा भी अन्य जो चार गति संबंधी पर्याय हैं योनियां हैं ये सब स्वांग यहाँ पे जीव का जन्म हुआ है तो ये संयोग रूप अवस्था है और थोड़े समय में ही ये स्वांग छूटने वाला है तो ऐसे पर्याय को स्वांग समान जानकर व्यर्थ जीवन के मोहवश संयोग का दूसरा पक्ष नियम से वियोग होता है ऐसा जानने वाले मोहवश अनर्गल प्रवर्तन नहीं करते अयत्नाचार रूप प्रवर्तन नहीं करते ऐसे कार्य में उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं जो वास्तव में देखा जाए अशक्य है। हमको ऐसा लगता जरूर है कि हम अपने प्रयासों के द्वारा
कार्य अपने इच्छानुसार कर लेते हैं, शरीर का प्रणवन अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। अच्छा वैद्य मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो हो सकता है कि हमारा जो स्वास्थ्य में बिगाड़ है उसका सुधार हो जाएगा या उपचार हो जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित समझना चाहिए, ये सारी व्यवस्था पुण्य पाप के उदय के अधीन है, अपने विकल्प के अधीन बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए लिखा, पर्याय को स्वांग समान जानकर व्यर्थ जीवन के मोहवश अस्पताल ले जाना, मतलब ये बात निश्चित है जिसका जितना आयुष्य कर्म है उस अनुसार ही उसका जीवन है। हमारे विकल्पों से, प्रयासों से, अच्छी चिकित्सा साधनों की उपलब्धता से, कुशल वैद्यों से इसके जीवन का एक पल बढ़ नहीं सकता। हाँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, यानी मंत्र तंत्र जिन्हें विद्या के रूप में देखा जाता था, विशेष विद्या, ऐसी विद्याओं के द्वारा भी एक समय की आयु बढ़ा नहीं सकते। तो ये बात जानकर मोहवश ऐसे कार्य में नहीं तन्मय होना चाहिए जो वास्तव में देखा जाए धर्म विपरीत हो, जिसमें समाधि की भावना आहत होती हो और जिसमें समाधि धारक जीव को प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हों। ऐसे कार्यों से बचने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही। देखिए, अभक्ष दवाइयां देने का प्रथम ही दृढ़ता पूर्वक लिखित से निषेध कर दें। इस विषय में अपन ने श्रावक के अष्टमूल गुण की जब चर्चा अपन करते थे तब उस समय ये बात आपको स्मरण हो तो अपने चर्चा में आ रही थी कि श्रावक के अष्टमूल गुण के अंतर्गत ये बात हमने और आपने समझी थी, जिसके मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंचुदंबर फल का त्याग होता है वह ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता, चाहे वह कहा जाए कि औषधि रूप ही सही, लेकिन जो अभक्ष की श्रेणी में आते हैं उसके त्याग का निषेध किया गया, जिसमें बहुतायत एलोपैथिक दवाइयां तो जो भी होंगी इनमें कोई शुद्धि आदि की व्यवस्थाएं नई की मात्रा में है ही नहीं, आप तो ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर किसी की रक्षा के लिए कितने जीवों का घात हो सकता है इस विषय पर विचार नहीं किया जाता। हाँ, कितने जीवों का घात हो सकता है इसका आप विचार करने की वहां बातें नहीं है। आप तो इसका, यदि आप इसके प्रोडक्शन की प्रक्रिया को देख लो, इसके आविष्कार की प्रक्रिया को देख लो, इसके कहना चाहिए प्रयोग की प्रक्रिया को देख लोगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा इसमें एकमात्र क्रूरता और हिंसा के परिणाम ही प्रयोग होते हैं। इसमें एलोपैथिक दवाइयों, आज कोई भी दवाइयां बनती हैं तो इन दवाइयों को पहले तिरियंचों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, और उनको पहले रोगी किया जाता है, पहले उनमें रोग के विषाणु डाले जाते हैं, फिर उसके बाद इस दवाइयों के ट्रायल किए जाते हैं कि ये दवाइयां उन पर लागू हो रही कि नहीं। तो आप कल्पना करके देखो कि एक स्वस्थ प्रजाति को पहले रोगी किया गया, कष्ट में डाला गया, फिर उसके उपचार में भी कष्ट दिया, और बाद में इसमें ये प्रक्रिया यदि सुधार में आ गई तो कैसे आ गई, तो फिर उसको ऑपरेट करके उसकी प्रक्रिया को देखते हैं, और ये सब अवस्था जीवित अवस्था में ही किया जाता है, जिसका बारे में कोई नई बात नहीं है। आप सब इस बात को समझते होंगे, बायोलॉजी का स्टूडेंट भी होगा ना, जो बायोलॉजी पढ़ रहा है उसको ये सब क्रियाएं कराई जाती हैं, जिंदा तिरंज गति के जीवों के ऊपर प्रयोग करके दिखाए जाते हैं। वास्तव में जिसको आत्म आराधना की भावना हो उनको ऐसे प्रोफेशन और ऐसी शिक्षाओं से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए लिखा, अभक्ष दवाइयों का सेवन, अभक्ष दवाई मतलब यही कि जिसमें हिंसा विशेष हो, क्रूर परिणामों से तैयार की गई हो, जिसमें जीव दया का भाव ना हो, जीव की हिंसा का भाव। गजब की बात है, एक जीव की रक्षा के नाम पर कितने अनगिनत जीवों की हिंसा होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप देखो, एक चीज विचार करो, मैं स्वयं विचार करता हूं, ये जो सैनिटाइजर चलता है ना, अभी वर्तमान में सैनिटाइजर चल रहा है, उसमें लिखा रहता है 99.9% किल, वायरस किलिंग, ये लिखा है ना, मतलब वायरस मतलब कोई जीव राशि को जो कि मनुष्य शरीर के लिए अहितकारी हो उसको मारने वाला ये साधन। अब आपसे मैं बात कहता हूं, इस संसाधन का प्रयोग करके क्या मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं आप? जहां पर मद्य मांस मधु का त्याग, जहां पर अभक्ष का त्याग,
जहां पर मुंह झूठा हो, एक सौंप का कण भी हो या कोई अन्य का एक कण भी हो, तो ऐसे अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मद्य लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो अल्कोहल आदि से बनने वाले पदार्थ हैं, इनको हाथ में लगा के मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जिन वाणी को कैसे छी सकते, निश्चित ही नहीं छी सकते। दूसरी बात, बाह्य अशुद्धता तो अलग बात है, इसके निर्माण में कितनी जीव हिंसा हुई, बात ख्याल में आती, कितनी जीव हिंसा हुई। तो ये सब प्रक्रियाओं की तरफ से देखते हैं तो कहा गया है कि अभक्ष दवाइयों को लेने में प्रथम ही दृढ़ता पूर्वक लिखित त्याग कर देना चाहिए, हम इसका सेवन नहीं करें। तो बोले साहब कोई और उपाय नहीं होगा, मरण होता दिखे तो, ये बात समझना पड़ेगी कि मरण होता दिखे ये जो बात कही गई है, तो ये आयुष्य के क्षय से मरण होता है कि वास्तव में इन साधनों से हम अपने जीवन को बचा सकते। सब आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते ने। देखो अंततः तो यही होता ना, जो उनके पास उपाय होते हैं डॉक्टरों के पास, उस उपाय के करने के बाद उनके पास यही उत्तर होता है, देखिए साहब हमसे जो बन सकता था, हमसे जो बन सकता था वो हमने कर दिया, अब तो भगवान के भरोसे हैं और भगवान की भक्ति करो, घर ले जाओ और जो बन सके वैसा करो और चैन पूर्वक इनको रहन दो। तो मैं आपसे कहता हूँ, इसके पहले जो उन्होंने प्रयोग किया था ये मान के तो किया था ना हम बचा लेंगे, आप भी तो इसी कारण दौड़ के गए थे ना अस्पताल में कि बच जाएंगे, इसलिए गए थे ना, वो सोचते हैं हम बचा लेंगे और हम सोचते हैं हम बच जाएंगे, दोनों ही जैन सिद्धांत को नहीं जानते। किस बात को, कि आयु क्षय से ही जन्म मरण होता। जब ये बात अपने ध्यान में आ जाए तो अपना कर्तव्य क्या, कि अपना कर्तव्य ये है कि ऐसे अभक्ष आदि औषधियों का त्याग कर देना जिनमें मात्र हिंसा और असंयम की, कहना चाहिए संयम की विराधना होती है, संयम का आलंबन लेना पड़ता हो, ऐसी औषधियों को सेवन नहीं कर, अभक्ष औषधियों का त्याग करना। दाह क्रिया भी मृत्यु के तुरंत बाद उसी ग्रामादि में योग्य रीति से करने का निर्देश कर देना उचित है। अपने वसीयत पत्र में उल्लेख करना चाहिए कि मेरे देह छूटने पर कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार आदि के लिए प्रतीक्षा ना करते हुए और दाह क्रिया शीघ्र संपन्न करें, जिससे मेरे निमित्त से अनेक जीव राशियों की हिंसा ना हो, और इस क्रिया में किसी भी तरह के फल फूल पत्ते अनाज ऐसी वस्तुएं जो कि हिंसा की कारक होती हैं, इनका प्रयोग ना किया जाए। क्या ये अपन अपनी वसीयत पत्र के माध्यम से इसका उल्लेख कर सकते हैं, जिससे स्थान एवं व्यक्ति के व्यामोहवश प्रतीक्षा में सबको अधिक देर न रखा जा सके, शीघ्र नगर में जिस नगर में वहीं पे वह क्रिया संपन्न करे। मैंने ऐसे प्रसंग देखे जब भभूतमल जी साहब भंडारी के द्वारा शिखर जी शिविर लगा था, बहुत पुरानी बात बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था, पंचतीर्थों की वंदना हो रही थी और पंचतीर्थों की वंदना में ऐसा प्रसंग बना, जिस कक्ष के सामने हम रुके थे उस कक्ष के सामने एक बुजुर्ग दादाजी आके बैठे बाहर चबूतरे पे, रात्रि का ही समय था, प्रवचन होने वाले थे और उसी समय उनके साथ उनकी बुजुर्ग पत्नी जो थी वो थी और उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा और वो वहीं 2-3 मिनट 5 मिनट में वो गिर पड़े बैठे बैठे, और बाद में देखा गया तो जो अपने समाज के वैद्य वगैरह वहां थे, डॉक्टर्स जो थे उनको बुलाया तो उन्होंने बताया कि इनके तो प्राण छूट चुके हैं। अब इस विषय पे उहापोह हुआ कि किस गांव से हैं, कहां से आए हैं, इनकी दाह क्रिया वहीं की जाए, समाज के पास पहुंचाया जाए, परिजनों को बुलाया जाए, ये सब प्रक्रिया में पता चला कि इतने में तो उनको पहुंचाने में 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि तो पुरानी बात कह रहा हूं ना, तो साधन इतने सहज सुलभ नहीं होते थे। तो फिर ये निर्णय किया गया उनकी धर्म पत्नी की जानकारी में रखते हुए कि इनकी दाह क्रिया यहीं पर संपन्न की जाएगी। क्या कह रहे, और जो शिविर समिति के अपने सदस्य गण गए थे उनमें से ही कुछ लोगों ने वह दाह क्रिया संपन्न की। निश्चित इस बात को समझना चाहिए, जिस नगर में देह छूटे वहीं दाह क्रिया संपन्न होनी चाहिए। इसके लिए नगर स्थान परिवर्तन करना, यहाँ वहां ले जाने का विकल्प करना, परिवार परिजनों के आने की प्रतीक्षा करना, यह योग्य कदाचित नहीं है।
क्योंकि कल बात कही थी ना, कोई आके कर भी क्या लेगा अपने मोह का पोषण करने के अलावा, अपने राग द्वेष परिणाम करने, आर्थ रोध परिणाम करने के अलावा करेगा क्या? ऐसे ही होता ना। इसलिए ये पहले प्रतिज्ञा रूप में अंगीकार करने की बात कही जा रही है। साथ ही रुदन मरण भोज आदि कुरीतियों का भी पहले से निषेध कर दें। क्या कह रहे हैं? जो समाधि पूर्वक देह छोड़ के जाते हैं ये कायरों का मार्ग नहीं है। आपको पता है युद्ध भूमि में जो योद्धा परम गति को या वीर गति को प्राप्त होते हैं तो वह हंसते हंसते प्राण छोड़ करके जाते हैं, और उनके परिवार परिजनों में यद्यपि कभी भावावेश में कुछ आंसू आ भी जाएं, लेकिन उनके बल ऐसा होता है क्योंकि उन्हें पहले से मालूम था कि जिस कार्य में ये लगे हैं उसमें प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। तो बड़े दृढ़ता के साथ में वो उनको अंतिम विदाई देते हैं। अपने को भी ऐसा कहा जा रहा है, अपने में भी अपनी वसीयत आदि पत्र में ये बात उल्लेख की जानी चाहिए। अंतिम क्रिया में मेरे देह छोड़ के सात्मा के निकलने के काम में तुम अपना राग का पोषण नहीं करना, परिणाम नहीं बिगाड़ना, तुम धैर्य पूर्वक तत्व विचार करते हुए और अपने परिणामों की संभाल करना, क्योंकि राग में फंसोगे तो तुम्हारा ही बुरा होने वाला है। हाँ, मैं आपको एक प्रथमानियों का प्रसंग याद दिलाता हूं। जब नेमी कुमार ने वैराग अंगीकार किया तो राजुल को निश्चित ही दुख हुआ था, क्योंकि उसका तो विकल्प ये था ना, निश्चित दुख हुआ था प्रारंभ में। होगा राग की भूमिका, अरे विवाह का विकल्प आया तो राग की भूमिका नहीं थी क्या? हुआ था दुख। लेकिन उन्होंने क्या किया? यदि वह बैठ करके मातम मनाती या घर में अपने परिजन परिवारजन के साथ बैठ करके शोकाकुल होती रहती कि हमारे तो भाग्य खराब थे, तो निश्चित ही इन परिणामों में कभी उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ होता ही नहीं। तो उन्होंने क्या चयन किया? यदि इन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है तो मैं भी आर्य का व्रत अंगीकार करूं। ऐसे कोई इष्ट का वियोग हो गया, ये वैराग्य का प्रसंग तत्व विचार करने के लिए है, रुदन करके आर्त रोध परिणाम करने के लिए नहीं। क्योंकि तो जाने वाला जीव तो चला गया और वो अपने नियत क्रम में गया है, क्रमबद्ध के अनुसार तय समय पे गया है, भले हमें ऐसा लगता आकस्मिक। हमें क्या लगता है? आकस्मिक घटना है साहब, अकाल मरण हो गया, अचानक ऐसी घटना घट गई। निश्चित समझ लेना, जैन दर्शन में अकाल मरण होते ही नहीं है। किसी भी जीव का अकाल मरण नहीं होता, जिसका भी मरण होता है स्वकाल में ही होता है। कब होता है? स्वकाल में, अकाल नहीं होता। इसलिए ये बात कही कि मरण के समय में रुदन मरण भोज आदि कुरीतियों का भी पहले से निषेध कर दें कि हमारे देह छूटने काल में जो तेरवी आदि का आप कार्यक्रम या कुछ भी करते हैं परिवार के बीच में, समाज के बीच में, उसमें मृत्यु भोज आदि की व्यवस्था ना की जाए। ये मूलतः दिगंबर जैन परंपरा है ही नहीं, ये सब देखा जाए तो हिंदू मत से देखा देखी में आई हुई परंपराएं हैं। कौन सी? मृत्यु भोज आदि कराना। अरे मृत्यु भोज कराना समाज को, ये तो अलग बात है। लोगों की ऐसी मिथ्यात पोषित प्रवृत्तियां पड़ी हुई हैं, जिस आदमी का देह छूटता है उसकी फोटो के सामने थाली रखते हैं। देखा आपने? जिसका देह छूटा उसकी फोटो के सामने, जिस दिन सब समाज का भोजन कराते थे ना, पहले की पद्धति थी, अब तो बहुत जगह सुधार हो गया, उसके सामने एक दिया जला के और एक थाली पूरी रख के आते हैं सजा के। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मान्यता है वो कैसे? हाँ, नरेश जी पूछ रहे हैं, आपके पिताजी के समय में क्या किया था आपने? बहुत अच्छा, सही बात है कि जो घटना है उसको प्रैक्टिकली विचार कर लें तो बहुत अच्छा है। के एक तो ये जो मैंने आपको पद्धति बताई कि ये मिथ्या मान्यता है, क्योंकि अन्य मतों में किसी व्यक्ति के देह छूटने पर ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति वैकुंठ आदि में चला गया। वैकुंठ मतलब स्वर्ग आदि। उनके हिसाब से कोई भी आदमी क्रूर से क्रूर परिणामी हो, हिंसक हो, असंयमी हो, किसी के लिए भी ये नहीं कहा जाता कि ये नरक गया। क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गए। अब आप एक विचार करना, जिसने जिंदगी भर अन्याय, अनीति, अभक्ष, असंयम ये किया होगा, ये जीव कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग गया? और
यदि वह स्वर्ग भी गया हो तो जैन मान्यता या जैन दर्शन के अनुसार तो स्वर्ग के देव कवलाहारी होते ही नहीं है, उनके तो हमारे जैसे अन्नपान होता ही नहीं है। तो आपके यहाँ थाली रखने का क्या मतलब है, या आपको उसके नाम पे भोग लगाने का क्या मतलब है? ये अन्य मत की कल्पना है कि इनको लगाया गया भोग उधर पितरों तक पहुंचता है, कौओं को खिला देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, पितरों के पेट में। ऐसी मान्यता अन्य मत में चलती, जैन मत में नहीं। आपने अंतिम क्रियाओं में ऐसे कई प्रसंग और घटनाएं देखे होंगे जो अलग अलग समाज में, अलग अलग देश में, अलग अलग नगरों में अलग अलग ढंग से चलती है। हमारे यहाँ पर कहीं कहीं पे ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं जब अंतिम क्रिया के लिए लेके जाते हैं दाह कराने के लिए, दाह करने को, तो पास में खिचड़ी रख देते हैं। खिचड़ी मतलब समझ रहे हैं आप, दाल चावल वगैरह की पैकेट बांध के रख देते हैं ये इधर पे कंधे के पास, दाल चावल का पैकेट। कि बोले क्यों, कि बोले नहीं वो जीव जा रहा है ना तो उसके साथ नई शाल उड़ा देंगे, नए कपड़ों से ढांक देंगे, चश्मा उनका है तो चश्मा उनका लगा दो, उनके घड़ी हाथ में हो तो घड़ी पहना दो, कोई वो चीज जो उनको बहुत प्रिय थी वो उनके पास रख दो। मैंने एक बार एक क्रिश्चियन की, एक मेरा परिचित मित्र था, उसके घर में उसकी मदर का देह छूटा था, उसके में मैं गया था क्रिश्चियन में, तो मैंने पहली बार देखा कि उसकी मदर जो थी उनके मत में और उनके यहाँ तो ऐसे चलते हैं कि वो ड्रिंक भी करते हैं उनके यहाँ। तो मैंने ये देखा कि उनकी जो ताबूत को जब जमीन में दफनाया जा रहा था, उनकी ताबूत में बोतलें रखी गई थी बहुत सारी, क्या कह रहे हैं, बोतलें बहुत सारी सेंट की वो, और जो चीजें उनको पसंद थी वो सब उसमें रख के और ताबूत बंद करके वो जमीन में उतारा था उन्होंने। तब मेरे मन में विचार आता था कि ये जो डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी का इन चीजों से क्या संबंध, इसका मतलब है अभी इनके श्रद्धान में बात बैठा हुआ है कि मरा आदमी भी खाता पीता है, मरे आदमी के भी भोग है, हा? और वो भी भोग कौन से, जिन भोगों के फल में मरण हुआ हो तो आश्चर्य की बात नहीं, वो ही भोग उसको और दे दिए, ऐसा ही है ना। तो ये सब देखा देखी काल्पनिकता है। ब्राह्मण धर्म के द्वारा जो कपोल कल्पित बातें चालू की गई उसको हमने अपनी अज्ञानता से मार्ग समझ लिया, क्या कह रहे हैं, अपनी अज्ञानता से मार्ग समझ लिया। और ये कमी जैनियों में भी पड़ी हुई है, आज दिगंबर जैनियों में पड़ी हुई है। कोई मुमुक्षु तत्व अभ्यास से बच जाए तो अलग बात है, नहीं तो पूरी समाज में अंधेर गर्दी चलती है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, कोई सोचता है बोलेंगे तो समाज क्या कहेगी, लो अंतिम समय किसी के मरण समय आ रहा है और ये इस समय पे अपना ज्ञान बता रहे हैं। गजब की बात है, दुनिया भी सत्य तब समझाने की कोशिश करती है जब सुनने वाला चला जाता है, और सुनाते उसको हैं जो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहे हैं उनको सुनने की फुर्सत नहीं है। कैसे, एक दिन बताया था ना, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, किसको सुनाते हैं बताओ, किसको सुनाया जाता है? क्योंकि जो चिल्लाते हुए बोलते हुए जाते हैं, अगर उनको अरिहंत नाम सत्य है ये बात पहले से समझ में आती तो अरिहंत के स्वरूप और उनके मार्ग का अनुसरण करते, तो वो तो बात समझने को तैयार नहीं, वो सिर्फ चिल्लाने को तैयार है। और जिसको सुनाई जा रही है, जो पड़ा हुआ है मृत्यु सैया पर, उसको तो ज्ञान है ही नहीं, उसके तो सुध ही नहीं, वो तो जा चुका समझने वाला, तो बोलो कौन किसको समझा रहा है? मालूम है, मैं इसको इस ढंग से कहता हूं, चलते फिरते मुर्दे मरे हुए मुर्दे को समझाते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। नहीं समझ में आया है? चलता फिरता मुर्दा और वो पड़े हुए मुर्दे को ये बता रहा, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या है अरिहंत नाम सत्य है? ये बात अगर समझ में आ जाती तो पहले सावधानी होनी चाहिए थी, समझने के समय में समझना चाहिए था, तब तो समय निकाला नहीं। अब अंत समय में जो सुनने वाला चला गया, समझने वाला चला गया, उसको तुम कितना चिल्लाओगे कि उसके समझ में आएगा? और जिन्हें समझना चाहिए वो अपने राजनीतिक विकल्प, सामाजिक विकल्प, यहाँ वहां की चर्चा, विषय कषाय, इन सब विकल्प जालों में घूमते फिरते रहते हैं। हिम्मत चाहिए साहब,
इस चीज का स्थापना करने, सत्य की स्थापना और गलत का निषेध करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आपको भेज दूंगा पर्चा, यद्यपि फिर भी लोगों ने कहा है तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जब मेरे पिताश्री का देह परिवर्तन हुआ तो हमने 40 मिनट के अंदर में उनकी दाह क्रिया संपन्न की थी। 8:20 पर उनकी देह छूटी थी और हमारे 8:40 पे देह छूटी थी और 9:20 पे हमारी दाह क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इतनी तैयारी हमने पहले से रखी थी। क्या चाहे लकड़ी का शोधन हो, चाहे ईंधन में क्या प्रयोग होना है, किस स्थान पे होने वाला है, ये सब चीजें पहले से विचार में थी। यद्यपि लौकिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति इस बात को सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि पहले से तैयारी करके बैठे थे। मैं आपको ईमानदारी से बात कहूं, जिसकी तैयारी पहले से नहीं होगी उसके काम 100% बिगड़ने ही वाले हैं। और ये चीज मुझे मेरे पिता ने ही मुझे सिखाई थी। यद्यपि ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। जब भी वो कहीं बाहर यात्राओं के लिए जाते थे, शिविर में जाते थे, उनकी तैयारी 15 दिन पहले से होती थी। कौन से कपड़े रखना है, कौन सी पुस्तकें जाएंगी, क्या प्रपृष्ठ जाएंगे, क्या सामग्री साथ में रखनी है, वहां क्या काम होना है, कौन सी क्लासेस चलेंगी, वो सारा मटेरियल पहले से तैयार होता था 15 दिन पहले से, क्योंकि स्वयं करते थे। माँ थी तो माँ अपने, मेरी माँ कपड़े वगैरह धो के प्रेस करके दे दें, वो अपना पूरे अपने हाथ से जमाते थे, कभी किसी के हाथ से नहीं जमवाया, अपने हाथ से जमाते थे हर चीज। एक एक चीज उनकी तैयारी में रहती थी। अगर कभी आप कहो तो मैं उनकी लिस्ट आपको भेजूंगा कि एक यात्रा करने वाले व्यक्ति की तैयारी कैसी होनी चाहिए। उनके पास मोमबत्ती, माचिस, रस्सी, चिमटी, एक टेस्टर, ये सब उनके पास रहता था। क्यों साहब, यात्रा में इन सब चीजों की क्या जरूरत है? और ये तो विद्वान है ना, तो विद्वान को तो वैसे भी बाहर जिन्होंने आमंत्रित किया वो व्यवस्था तो कर ही देंगे ना, समाज युक्ति तो करती कि नहीं करती है? पराधीन सपने सुख नाही। इतनी तैयारी पूरी, मतलब मैंने 5 चीजें गिनाई ऐसी, कम से कम 60 चीजें 70 चीजें रहती थी उनकी लिस्ट में। वो लिस्ट तैयार रहती थी, टिक लगता था, ये रखा है कि नहीं, ये तैयारी है कि नहीं, ये तैयारी है कि नहीं, ये सामान है कि नहीं है, क्या कह रहा है, हर एक चीज, औषधियों से लेके सब कुछ। बात कह रहा था। अब हुआ क्या कि जब उनका अंतिम समय आया, चूंकि समाधि पूर्वक देह छोड़ने का उनका परिणाम पहले ही सही था और निर्यापक की श्रेणी में मैं था, तो मैंने आगम पद्धति के अनुसार जो व्यवस्था है उसको जानकर समझकर और विद्वानों से पूछकर और उस प्रक्रिया का प्रयोग किया था। और उसमें हमने पहले से ही सामग्री आदि शोध के रखी थी, कौन सी ईंधन की सामग्री, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं चलता था तो हमने पहले से लकड़ी लेकर के और उसको सुखवा के रख दिया था, सुधवा के लकड़ी। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार मेरे बैठे हैं, इसलिए मेरे को किसी से कोई छुपाने वाली बात नहीं, उन्हें पता है। मेरे पिता के अंतिम दाह क्रिया के समय में सिर्फ मेरे परिवार के 3 सदस्य थे, 4 सदस्य, बाकी कोई नहीं थे। मेरे मामा जी वगैरह कोई नहीं आ पाए थे, कोई भी नहीं। क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरी 2 बहनें, मैं, मेरी माँ और पिताजी का शरीर, और क्या कहते हैं, समाज के 25-50 लोग, बस इतने ही लोग थे। और उतने में ही हमने अपना वो क्रिया संपन्न की थी। जो भी एक पद्धति होती, उस पद्धति को मैंने स्पष्ट तौर पे पहले समाज वालों को बता दिया था, मुझसे पूछे बिना आप कोई भी विकल्प नहीं करेंगे, मतलब कोई भी सामग्री प्रयोग क्या होगी, अंतिम क्रिया में आप क्या प्रयोग करोगे, नहीं तो इतना लंबी लिस्ट होती है जिसका आपको ठिकाना नहीं होगा। पान के पत्ते से लेके रंग गुलाल तक सब होता है। क्या कह रहे हैं, और जो ठठरी विशेषज्ञ लोग होते हैं, जिनका काम समाज में लोगों को ठिकाने लगाने का होता है, उनको वो ऐसी लिस्ट मुंह में रटी रहती है, इतने तो उनको कभी जिंदगी में 7 तत्वों के नाम याद करने की फुर्सत नहीं होगी, पर लिस्ट ऐसी रटी होती है उनके दिमाग में, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करो, वो करो, कंडे जलाओ, ऐसा करो। क्या कह रहे हैं, वो हाथ से ही आदमी का वजन बता के बता देंगे कि ये बांस इस पे चलेगा कि नहीं, इस पे ले जा सकते हैं कि नहीं, मतलब इतने विशेषज्ञता उनकी होती है।
और वो विशेषज्ञ हैं। अब उनके साथ वाद विवाद और तर्क करना, और ये चर्चाएं आपको मालूम है कब आती हैं? जब अंतिम समय सामने खड़ा हो तभी। कभी समाज इस पे बैठ के पहले मंत्रणा नहीं करना चाहती। आपने देखा कभी इस विषय पे समाज में मीटिंग हुई हो कि समाज की रीति नीति क्या होगी, किस पद्धति से कार्य किए जाएंगे, ऐसा देखा कहीं? कहीं आपने मंदिर के बोर्डों पे या कहीं ऐसा लिखा देखा कि अगर जैन दर्शन में, जैन दिगंबर संप्रदाय में किसी का देह छूटता है तो इस विधि से ही क्रिया संपन्न की जाएगी? वहां पे सबरे चतुर लोग इकट्ठे होते हैं, क्या कह रहे हैं, और उनके बीच में अपनी बात को दृढ़ता से रखना। क्योंकि ये बात निश्चित ही आप समझ लेना कि आपको इस चीज में विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो परंपराएं हैं, वो अनादि की कुरीतियां हैं। उस कुरीति को आदमी ने धर्म मान के रखा है, उसको उधर से हटा करके इस मार्ग पे लाना आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस बात का संकोच लिहाज छोड़ करके वो कार्य किया था, और जो लोग हैं साक्षी उन्हें पता है। उस विषय में मैंने हाथ पकड़ के भी मना करना पड़ा था तो कर दिया था कि आप इस चीज का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, आगे मैं चलूंगा, आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। क्या मैं आगे चल रहा हूँ, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, रास्ते में कोई ठटकरम नहीं होंगे जो आपके होते हैं, और ये सब मंजूर हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। क्या मेरे साथ चलने वाले के मुंह में, किसी के मुंह में गुटखा पाउच नहीं होगा, किसी के भी आपसी चर्चा वार्ता नहीं करते हुए चलेंगे, राजनीतिक नहीं, सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं। यदि आपको ये मंजूर है तो आप मेरे साथ चलिए, और नहीं है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्या कह रहे? तब मैंने कांधा उठाने दिया था ये बात कहने के बाद, और फिर उसके बाद में निश्चित समय अवधि पर जितने भी लोग थे सभी वैराग्य पाठ पढ़ते हुए वहां पहुंचे थे, और निश्चित समय में दाह क्रिया पूर्ण करके और हम अपने घर पर आकर के जो शुद्धि आदि होती है वो कार्य प्रारंभ किया। तेरहवीं का भी जो प्रसंग आता है उस संबंध में भी मैंने उसमें निर्देश और अपनी प्रतिज्ञा में अंगीकार किया हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि हमको तेरहवीं के समय में भी किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। राग द्वेष की चर्चा कोई घर पे आकर के नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? कोई इष्ट मित्र परिवार परिजनों से इस विषय की चर्चा वार्ता नहीं करेगा हमारे घर में कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ये दवाई दी थी कि नहीं, ऐसा हुआ था कि नहीं। इन विकल्पों का अब कोई लेना देना नहीं है। अब तो यदि कुछ काम है तो ये है कि उनसे हमें जो मिला है हम उसका कितना उपयोग कर सकते हैं। बात ख्याल में आ रही? उनसे जो हमें मिला है हम उसका कितना आलंबन लें, उपयोग करें और अपना परिणाम संभालें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। तो ये सब व्यवस्थाएं एक समाधि धारक को, ब्रह्मचर्य के आराधक को समझना आवश्यक भी है, पालन भी करनी चाहिए। इसमें तेरहवीं आदि का भोजन अब तो लगभग जैन समाज में बहुत आयत बंद ही हो चुका है, समाज ने भी बंद करवा दिया है अनेक जगह। कहीं चलता भी हो तो वो योग्य नहीं। परिवार के सदस्यों की व्यवस्था पारिवारिक तौर पे होती है वो अलग बात है, पर समाज तेरहवीं आदि का भोजन नहीं कराना चाहिए, और कराना भी नहीं चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। क्या व्यक्तिगत निषेध कर देना अपन अपने अपना, अपन कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अपना कानून तो है ना। हम अपना निषेध कर दिया भाई ये काम मेरे योग्य नहीं है, मैं इसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा। इतना आसान काम है, इतना कह करके निवृत्ति ले लेना, मैं इसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा। मालूम है लोग ज्यादा से ज्यादा धमकी क्या देते हैं, अधिक से अधिक धमकी क्या मिल सकती है? इतने कठोर रहोगे तो तुम्हारे मरे में कोई खड़े नहीं होगा, यही तो होगी ना। हाँ, तुम घबराते क्यों हो कि मरे में खड़े नहीं होगा? हम छोड़ चले यह लोक, तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो सोकांत बने फिर हमको क्या। तुमको तकलीफ होगी तो तुम खुद जाओगे दाह क्रिया करने, हमको क्या करना, हम तो चले गए। क्या कह रहा है? और अपना संविधान लिख के चले गए, अपनी बात लिख के चले गए, अपनी इच्छा पहले से बता के चले गए। अब उसके विपरीत तुम चलोगे तो उस विपरीतता का फल तुम जानो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमने पहले कर। और आप एक समझ लेना,
अपनी दृढ़ता के आधार पर मार्ग चलता है। आप कितने दृढ़ हो उस अनुसार, कितनी भीड़ है इस अनुसार नहीं, कितने लोग समर्थक हैं इस अनुसार नहीं। अकेले होने पर भी अगर आप सिद्धांत के पक्षधर हो तो कभी आप अकेले नहीं। क्या कहते हैं हम कहते हैं मेरा तो बड़े पंडित जी से आपके साथ आज तक कभी मिलना ही नहीं हुआ, एक बार भर आमने सामने मिला हूं इतने दिनों, आज इतनी उम्र हो गई है, इधर कितने लोग बैठे होंगे जो सैकड़ों गोष्ठियों में उनकी गए होंगे और बैठते भी होंगे, यद्यपि मैं उनको सुनता हूं लेकिन मैंने आज तक ऐसा सहयोग ही नहीं बन पाया कि मैं जब भी उनके कार्यक्रम में जाने के प्रसंग पे आता हूं कोई ना कोई अपरिहार्य कारण उपस्थित होता था, वो कैंसिल होता था। हाँ, उन्होंने फोन किया, वो जो भी अपनत्व भाव से उनका फोन आया, फोन पर बात हुई, उन्होंने बोला तुमने जो काम किया है मेरा उसमें समर्थन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कभी समझौता नहीं करना इस विषय पे, समझौता नहीं करना। हाँ, जान पहचान नहीं, ऐसी पहचान तो नहीं, भले वो कहें कि पंडित जी के लड़के होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष तो बहुत मिलना जुलना नहीं हुआ, ऐसा आप समझना। और मुझे तो अन्य जो समाज में अपने दिगंबर जैन धर्मावलंबी ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग से नहीं जुड़े थे, उन्होंने आके कहा बाद में कि हमने सुना था कि आपके पिताजी की अंतिम क्रिया में कुछ पद्धति से हटके काम किया गया और वो जो काम था हमने समाज में चर्चा में सुना, तो हमने आज तक कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी दिगंबर जैन समाज में होता होगा या होना चाहिए, तो आप हमको इस विषय में जरूर बताना, कोई अच्छी चीज होगी तो हम भी अपने जीवन में लाएंगे। आप समझ सकते हो, अपन अगर दृढ़ हैं तो मार्ग पूरा खुला है और सुरक्षित है, और हम शिथिल हैं तो हमें भले पंच परमेष्टि का मार्ग मिल जाए हमारा कोई भला कर सकता नहीं। आइए अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। परमाणु मात्र पर अपना अधिकार ना जानकर अधिकार के लिए कभी विसंवाद ना करें। क्या कह रहे हैं, परमाणु मात्र पर अपना अधिकार ना जानकर, 38वीं गाथा परिशिष्ट की, समय सार 38वीं गाथा, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं है। जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है तो मैं फिर व्यर्थ के विसंवाद और अधिकार के नाम पर संघर्ष क्यों करना चाहता, चाहे वह समाज का पद हो, चाहे वो परिवार परिजनों में मुखिया का पद हो, या किसी के कर्तव्य के प्रति हम अपने को उसका कर्ता धर्ता मानते हो ऐसा पद हो, ये सब जो भी कर्तत्व परिणाम है ये इस बात को बताता है कि हमें सिद्धांत को समझ नहीं है, हमारे सिद्धांत पे दृढ़ता नहीं। कहते हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं है और मानते क्या है कि तीन लोक का विश्व मेरा है, ऐसा ही है ना, कहते हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर द्रव्य में मेरा हेर फेर नहीं, और लगता क्या है, कर्ता कौन है संसार का, क्यों प्रमोद जी कौन है कर्ता संसार का, घर परिवार कौन चला रहा, हिसाब हम ही देख रहे हैं, हम नहीं होते तो कौन चलाता। हाँ, और हम अगर निष्क्रिय हो जाएंगे तो परिवार शिथिल हो जाएगा, ऐसी मान्यता है ना। हाँ, हर कर्ता बुद्धि वाले को ऐसा लगता है मेरे बिना नहीं चल सकता, वो यहां से चला और काम चलता रहता है, देखा आपने, वो यहां से हिला और काम रुकता नहीं है, एक नितांत भ्रांति है ये स्थिति, वही है जो टोडरमल जी साहब ने बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की बताई थी। क्या बैलगाड़ी चलती स्वयं है, कदाचित बैल लेके चल रहे हैं और कुत्ते को लगता है मैं चलाता हूं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जिस दिशा में मुड़ती है वो उस तरफ मुड़ जाता है और ऐसा लगता है मैं इसका डायरेक्टर हूं। क्या डायरेक्टर, मुझे तो कई बार वो म्यूजिक टीम में देखा आपने, म्यूजिक टीम में एक व्यक्ति ऐसा ऐसा करता रहता, देखा आपने संगीत के सामने ऐसा ऐसा करता रहता, क्या करता है ये। यद्यपि आप समझना वो निर्देशक है, उसके उस निर्देशन को फॉलो करते हैं बजाने वाले, लेकिन उनके पास उनकी कॉपी भी रहती है साथ साथ, पता है आपको,
उनके पास, उनके इंस्ट्रूमेंट के पास में उनके नोट्स लिखे रहते हैं कैसे बजाना है, है? अब वो जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, उसको ये अगर ये मान्यता बैठी कि मैं ऐसा ना करूं तो आवाज ही ना निकले, है? तो फिर इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, बजाने वाले का क्या होगा? हमारे भी विकल्प बस ऐसे ही हैं, वचन व्यवहार विकल्प संसार, ये करो ऐसा करो, ये करो वो करो ऐसा करो, है? बोलो हो रहा है कि नहीं, हमारे अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने बताया था ना बनारसी दास जी ने, लेकिन नाच नाच मरी जाए, मरी कैसे चूहे है। ये प्लेग फैलता है तो प्लेग की बीमारी में जो सबसे पहले असर चूहों पे होता है उसका, और वो प्लेग में उनको ऐसे शरीर में वेदना होती है, उछलते हैं, उछलते कूदते हैं, भगदड़ मच जाती है, लोगों को ऐसा लगता है नृत्य कर रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं, आकुलता की वेदना नहीं समाती है तो छटपटाते हैं। ऐसा समझ लेना जिसके कर्ता विद्धि का भूत पड़ा हुआ है, दिमाग में शांत नहीं बैठ सकता कभी, घर में भी शांत नहीं, मंदिर में भी शांत नहीं, तीर्थों पे भी शांत नहीं, जहां जाएगा वहीं उछल कूद करेगा। हाँ, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में ना पांव धरे धरनी में, धरनी में पैर नहीं टिकते जमीन पे, भूल्यो अभिमान में ना पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डावा डोल सो कर्म की कलोलन में, हो रही अवस्था जो बघूरे कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसे ब्रह्म घाती में थ्याती महापात की। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने मिथ्या दृष्टि का स्वरूप दिया, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, सम धर्म का ज्ञान कुछ नहीं है पर ज्ञान बांटने में एक नंबर। क्या कह रहे हैं कि पंडितों को धूल चटाना चाहता है, तो समझदार पंडित वही हैं जो ऐसे अज्ञानियों के सामने कहे साहब आपका बहुत ज्ञान, हमें कुछ नहीं ज्ञान है, जय जिनेन्द्र देव की। क्या मूर्खों से कभी विसंवाद नहीं करना, अपनी बात समझ में आए तो अच्छा है और नहीं आए तो और अच्छा है, ये झंझट ही खत्म। हाँ, इनको समझाना नहीं कभी, कषाय वाले व्यक्ति को कभी नहीं समझाना, उपदेश भी नहीं देना, नहीं तो उल्टा खतरा अपने ऊपर आने वाला है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, हर कदम में पक्ष लेकर के बैठता है, हर कदम में तत्व सुनने भी आया तो अपना पक्ष लेकर के आता है, बोलने वाला कौन है, किस संप्रदाय का है, कौन व्यक्ति है, तीन काल में बात समझ में आने वाली नहीं, पक्ष लेके बैठा है ना। ये इनको मानते हैं कि नहीं मानते, ये इनके साथी वाले हैं कि नहीं, इनकी सोच कैसी है, ये लेके बैठा है तुझे तत्व कभी समझ में नहीं आने वाला, कोई रहा है। हाँ, अरे मारीची के जीव को ये पक्ष था, मैं स्वयं तीर्थंकर होने वाला हूं, उसे आदिनाथ भगवान की बात समझ में नहीं आई। हाँ, ऐसा ही है ना, आज थोड़ा गला मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इसलिए मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ आपसे। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में ना पांव धरे धरनी में, ऐसा अभिमान में फूला हुआ है कि जमीन पे पैर नहीं टिकते हैं। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो, आपको मेरी सामर्थ का पता नहीं है, हैं? सामर्थ का पता नहीं, मंदिर किसने बनाया, मैंने बनाया, ये मंदिर की व्यवस्था कौन करता कि मैं करता हूं, इतने लोगों को लाइन पे कौन लाया कि मैं लेके आया, गजब की बात है, सबको लाइन पे ला रहा है, वो तुझे अपना ट्रैक ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता, लाइन क्या है तो मालूम, जिनकी कर्ता बुद्धि बहुत होती है ना, जी अपने निकटवर्ती लोगों से बहुत तकलीफ में रहते हैं, अपने निकटवर्ती, अपने परिवार परिजन इष्ट पत्नी बच्चे, ये इनके विपरीत भाग रहे, और जिस सारी दुनिया को सोचते हैं हम इनको लाइन पे ला देंगे, क्या कह रहे हैं, ये ला देंगे,
वो दूसरे से बोलते आप समझाओ हमारे बच्चों को, हमारी तो सुनते नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को क्या समझा रहे, तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। तो बोले ठीक है हम उपाय बताने तैयार है, मानोगे कि हाँ बताओ उपाय। तो मैंने कहा कि इनके नाम पे वसीयत मत लिखना। नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना हो सकता, आप तो इनका काम करो सुधारने का, हमारा ठेका है बिगाड़ने का। क्या कह रहे क्यों साहब अतुल भाई, मैं आपको ऐसी सलाह दूं तो कैसा लगेगा। पंडित जी ये क्या बात होती है, बच्चा तो मेरा ही है और आप कहते हो कि ऐसा करो, सख्त करो, अनुशासन ऐसा रखो, उनके प्रति ऐसा मत करो। पहले तय तो करो भला करना है कि बुरा करना है, है? क्या बोल रहे हैं नरेश भाई, व्याख्यान तो आप ही कर रहे हैं हमारे लिए, क्रमबद्ध थोड़ा कमजोर है हमारा समझने में, क्रमबद्ध नहीं अपना वो विषय को समझने के प्रति जो जागृति होना चाहिए वो कमी। क्रमबद्ध में तो ये तय है कि कितना समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और कौन समझाएगा और नहीं समझाएगा ये तो कोई मैटर ही नहीं है, अपनी योग्यता होगी तो समझ में आएगा। बात ख्याल में आती, देखिए बात कहाँ से चालू हुई थी, ये बात को विराम लेंगे। परमाणु मात्र पर अपना अधिकार ना जानकर अधिकार के लिए कभी भी विसंवाद ना करें। मेरे को धवल जी साहब का एक कोटेशन बहुत अच्छा लगता है, हटाना नहीं हट जाना। क्या कह रहे हैं, हटाना नहीं हट जाना, दबाना नहीं दब जाना। दब जाना मतलब अपना रास्ता अलग निकाल लेना, ये चक्कर में मत उलझना कि संसार को हम मार्ग पिला देंगे, ये है ही नहीं। इसमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ नष्ट होता है, कुछ भी भला होने वाला नहीं। इसलिए विसंवाद नहीं करना, अन्य हेतु से भी विसंवादों से दूर रहें। एक तो कर्ता बुद्धि वाले विसंवाद से तो दूर ही रहें, और अन्य लौकिक चर्चाएं वार्ताओं से भी दूर रहें जिसमें व्यर्थ की चर्चाएं आए, परिणाम बिगड़े, अपना नाम फंसे, ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अगला पॉइंट, बाह्य परिग्रह एवं भोगो भोग का परिमाण रखें। ब्रह्मचर्य के आराधना में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बाह्य परिग्रह। यद्यपि अंतरंग परिग्रह के त्याग बिना बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं होता, इसका मतलब है आत्मा का रस जिसको आता है उसके अंतरंग परिग्रह छूटेगा। अभी चारित्र मोहिनी के उदय से बाहर परिग्रह दिखेगा, लेकिन कहते हैं उसमें भी रस फीका होता चला जाता है। छह खंड मिलने पर भी छह खंड का रस नहीं है, अखंड ध्रुव गायक का रस है, और वो फीका पड़ता जाता है। यहां विभूतियां और पुण्य बढ़ता है और वहां रस घटता चला जाता है, पुण्य पीछे दौड़ता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं, पुण्य पीछे दौड़ लगाता आगे बढ़ते जाते हैं। देखना, तो बाह्य परिग्रह और भोगो भोग का परिमाण रखें। भोगो भोग मतलब एक बार भोगने में आए उसे भोग, और बार बार भोगने में आए उसे उपभोग। जैसे अनाज वगैरह हैं, ये जो पदार्थ हैं, है ना, ये सब क्या है, भोग्य वस्तु, है ना। और उपभोग मतलब वस्त्र हो गए, स्त्री हो गए, ये सारी जो वस्तुएं हैं, मकान हो गए, जिसे बार बार भोगने में आता है ये उपभोग। इन दोनों का परिमाण तय करना, भोग वस्तु का भी और उपभोग वस्तु का, क्योंकि परिग्रह ही सबसे बड़ा पाप है। जिसके परिग्रह की आसक्ति है उस जीव के पांचों पाप नियम से होते हैं। परिग्रह आसक्ति, आप देख लो आपके घर में जब आपकी आवश्यकता से अधिक सामग्री होगी तो हिंसा निश्चित होने वाली है, क्योंकि आपके पास देखने का समय नहीं है, आपका समय ही नहीं रहता, आपको पता ही नहीं रहता कितनी चीज खराब हो रही, कहां पड़ी। ऐसे ही होता है, कितनी चीजें खराब हो जाती, क्यों, क्योंकि हमारे ध्यान में ही नहीं आई और नष्ट हो गई, खराब हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं वो नष्ट हुई, जीव उत्पत्ति हुई, मरण हुआ, हिंसा हुई, इसका दोष किसको आएगा। मालूम है रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या लिखा, नगरों में रहने का तो ये फायदा है कि वहां विशेष संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। क्या कह रहे, नगर में रहने का ये फायदा है, वहां विशेष संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो वस्तु की आवश्यकता है वो तुरंत उपलब्ध हो सकती है, तुरंत हो जाएगी कि नहीं, तो तुरंत उपलब्ध हो सकती है, तो अति संग्रह नहीं करना, वस्त्रों का,
अनाज का, वस्त्राभूषण का, मकान का, प्रॉपर्टी का, धन वैभव का, और बोलूं कुटुंब परिजन का भी ना? कुटुंब परिजन का आपको पता है रिश्ते कैसे बढ़ जाते हैं। आपने अपनी बेटी को जिस घर में दिया, अब उस घर में थे आठ भाई, अब बेटी को दिए एक भाई को, और रिश्तेदारी कितनों से बढ़ने वाली है बाप की। अब वो दूसरे की शादी में कोई को तो जाना ही पड़ेगा ना घर का, कि उनके कोई मरण हो गया तो बैठने तो जाना ही पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आप समझते हैं? अपने को ऐसा लगता है हमने तो एक रिश्ता जोड़ा, एक रिश्ते कहाँ जुड़े हैं, ढेर रिश्ते जुड़ गए उसमें, और रिश्ते से रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां किसी से परिचय हो गया, उनसे ज्यादा निकटता हो गई, अपनत हो गया, अब वो बुलाने लगे आपको। हाँ, तो बोले ये कौन है, ये हमारे दूर के बहुत निकट वाले, बहुत दूर के निकट वाले लोग हैं हमारे। बढ़ता चला जाएगा, विस्तार 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 वो बढ़ता जाएगा, और पर्याय का कीमती वक्त घटता चला जाएगा। इसलिए बाह्य परिग्रह भोगों भोग का परिमाण रखें। 86 नंबर का बिंदु, अनंत बार जीवन शरीर एवं भोगों में विमोहित होकर धर्म छोड़ा, इस भाव में तो आराधना करते हुए देह छूटने की भी परवाह न करें। क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा पंडित जी। अनंत बार जीवन शरीर एवं भोगों में विमोहित होकर, किस किस में विमोहित हुआ, जिस पर्याय में गया उसी को जीवन माना है। नाली का कीड़ा नाली की उस दशा को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, उसको लगता है यही मेरा जीवन। मैं आपसे बोलता हूं, गृहस्थी में ईमानदारी से बताना, अंदर में अनुकूलता भाषित होती है कि समस्याओं के अंबार घर गृहस्थी के जीवन में। ईमानदारी की बात करें, घर गृहस्थी में रहते हैं ना तो सुख मिलता है कि आकुलताएं भी चलती हैं साथ में, कि आकुलता ज्यादा होती है कि सुख ज्यादा होता है। हाँ, क्या लगता, कोई से भी पूछ सकता हूं, किसी से भी, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो कोई बेटा हो या पिताजी हो, किसी से भी पूछ के देख लो, उसकी जिम्मेदारी की तरफ से बात करो, आकुलता ज्यादा है कि निराकुलता ज्यादा है घर गृहस्थी में। एकमात्र आकुलता के अलावा कुछ नहीं है घर गृहस्थी में। सुबह से शाम कैसे होती है, रात कैसे होती, फिर सुबह कैसे होती, पता नहीं चलता। मेरे प्रतिदिन के 10 काम में से 6 काम तो निपटते ही नहीं, और दूसरे दिन के 10 फिर, तो 10 6 16, और पहले का अलग। अब कई बार किसी को लगता भी होगा, पंडित जी आप जवाब क्यों नहीं देते, फोन क्यों नहीं उठाते, कि क्या करें साहब, हैं कि भाई नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो नहीं भी दे पाते जवाब। हाँ, बात ख्याल में आती। इसलिए कह रहे हैं, अनंत बार जीवन शरीर एवं भोगों में विमोहित होकर धर्म को छोड़ा है, इस भव में तो आराधना करते हुए देह छूटने की भी परवाह नहीं करना। अब देह भी छूट जाए तो भी काम करके ही रहूंगा। क्या कह रहे हैं, अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, हे जीवों मर पच करके भी तत्व का कौतूहल उत्पन्न कर। किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, नरेंद्र जी बता रहे हैं, कोलू का बैल चक्कर लगाया और देखे तो कहाँ खड़ा है, वहीं का वहीं। ये मनुष्य पर्याय में कोई पहली बार थोड़ी ना आया, पर अनंत बार आकर के चले गए, अनंत बार। बोधि दुर्लभ भावना अपन पढ़ के देखो, उसका स्वरूप पढ़ो, जिनवाणी में कितना है, अनंत बार। कण कण को जी भर भर देखा, मग सम मग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। तो यहाँ कह रहे हैं, अनंत बार जीवन शरीर एवं भोगों में विमोहित होकर धर्म छोड़ा, उस अनंत बार में इस पर्याय को भी देखना, इस पर्याय में जा रही स्थिति कैसी है। ये जो पर्याय का समय आत्म आराधना में कितना लगता है, आत्म कल्याण में कितना लगता है, और संसार के लिए कितना लग रहा है। क्या साहब,
हैं रतन जी, अभी भी विकल्प जंजाल बाकी हैं कि नहीं है? कि साहब हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिससे निवृत्त होने का भाव होता है। गजब की बात है, हम जिम्मेदारियों से निवृत्त होने का भाव रखें और आत्महित के कर्तव्य को, अपने हित के कर्तव्य को सेकेंडरी में रख दें, तो इससे बड़ा हमारे लिए नुकसान का सौदा कोई दूसरा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण काम है, अपना हित इस भाव में करना ही है, करना ही है। विचारो तो अभी ये यात्रा के दौरान कितने लोगों का योग संयोग बना, कितने चले गए। जो हमारी जानकारी में हम उनके नाम पे 2 मिनट बात कर लेते हैं, उनके बारे में विचार कर लेते हैं, उनके लिए भावनाएं भा लेते हैं, उसके बाद क्या? वह जीव तो चला गया, वो तो अपने परिणाम अनुसार जहां पर है वहां उस परिणाम अनुसार आगे की गतियों में जा रहा होगा, ऐसा ही है ना? हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ भावना ही भा सकते हैं। ऐसे ही कल को अपन नहीं जाए रहेंगे तो अपने लिए भी कोई भावना भा देगा, लेकिन हमको तो अपने परिणाम अनुसार जाना पड़ेगा ना। निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत तू हो रे प्राण। इसलिए कहा गया गाफिल मत हो अपने परिणाम की संभाल में, ये पर्याय चली गई तो फिर अनंत काल मिलने वाली नहीं है। टोडरमल जी का एक वाक्य बोल के अभी विराम लेते हैं हमें। तत्वचार की महिमा जहां बताई ना टोडरमल जी साहब ने, वहां ये पॉइंट आया इसके बाद। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, इस अवसर में मतलब अभी जिस अवस्था में हम हैं, ना करे प्रमाद से काल गवावे, या तो मंद राग आदि सहित विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्ते। मंद कषाय मतलब धर्म आदि के कार्य में, व्यवहार धर्म को ही धर्म मान के उसमें लगा रहे, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। समय तो चला जाएगा और भ्रमण कहाँ होगा? संसार में व्यवहार धर्म को निश्चय मान के बैठा, समय तो गया। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। इस अवसर में कोई तो अवसर खो देता है और कोई अवसर का सदुपयोग करता है। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग का अभ्यास रखे, उसके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। देखो क्या उपाय बता रहे हैं, जितना जितना तत्व अभ्यास करेंगे उतना उतना कर्मों की शक्ति हीन होगी और विशुद्धता बढ़ेगी। तत्व अभ्यास का निश्चित फल विशुद्धता बढ़ना होना ही चाहिए, परिणामों की उत्तरोत्तर उन्नति होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो आपका निश्चित कषाय दिखेंगी और दिखेंगी, धर्म के नाम पे भी कषाय दिखेगी। देखना कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ेगी तो दर्शन मोह उपशमित होगा। दर्शन मोह मतलब जो अनंत संसार का कारण, वह उपशमित होगा, नष्ट नहीं हो रहा, परंतु उसकी प्रकृतियां बैठने लगेंगी और वो बैठेंगी तो ऊपर ऊपर शुद्धता का अनुभव प्रारंभ होगा। दृष्टांत दिया था याद है, पानी की गिलास में कीचड़ घुला हुआ है और कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है, नीचे बैठ रहा है, ऊपर ऊपर का पानी निर्मल होता जा रहा है। बात ख्याल में आ रहा है? अभी कीचड़ निकला नहीं है गिलास से, लेकिन कोई चतुर व्यक्ति हो तो ऊपर का ऊपर पानी निकाल के उसका सेवन कर सकता है, लेकिन उसको तो भरपेट पीना है ना, तो वो उसको मंजूर नहीं है कि नीचे का इतना सा पानी भी क्यों अलग किया जाए कीचड़ वाला। तो कहता अब मैं इसको कीचड़ रहित करके ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा माल है, मेरा अधिकार है, मैं पूरा सेवन करूंगा। तो विशुद्धता के बल पे दर्शन मोह का अभाव होगा और दर्शन मोह जैसे जैसे गिरेगा तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उससे जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। तत्व विचार करना यही जीव का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए बहुत सुंदर लाइन की, इसलिए अब अवसर चूकना योग्य नहीं है। टोडरमल जी साहब के साथ, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, हे भव्य जीवों उसमें प्रवृत्ति करो। ऐसा कहते हुए टोडरमल जी ने अपनी इस बात को विराम दिया। हम भी अपनी चर्चा को यहाँ विराम लेते हैं।
और अगला जो पॉइंट है उस पे आगे अपन पढ़ेंगे। आइए अभी भक्ति के लिए आज हाँ स्वाति जैन कोल्हापुर बहन है स्वाति जैन जी कोल्हापुर से हैं, वह भक्ति लेंगी। हैं बहन दिख रही हैं यदि हैं? हाँ जी जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आती है बहन, करिए प्रारंभ। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी ही महिमा तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा क्या तेरे मन में समा, अपनी ही महिमा बुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। काहे अरहंतों के कुल को लजाया, काहे जिन वाणी माँ का कहना भुलाया, काहे मुनिराजों की सीख ना मानी, काहे मुनिराजों की सीख न मानी। सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी, अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई, अपनी ही महिमा न आई, तूने अपनी ही महिमा बुलाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी ही महिमा बुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। समव शरण में जिन वर इंद्रों ने गाया, सौ सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया, अपनी शुद्ध आत्मा को भगवान बताया, अपनी शुद्ध आत्मा को भगवान बताया। भव्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया, जानो और देखो चेतन इसमें ही तेरी भलाई, अपनी ही महिमा बुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तूने अपनी ही महिमा बुलाई। काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, कहता तू सोना चांदी सिक्के बदेले, उद्गल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, उद्गल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, प्रभुता को भूला पामर कृति बनाई, रघुकुल के राम तूने काहे को रीति गमाई, अपनी ही महिमा न आई, तूने अपनी ही महिमा बुलाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी ही महिमा बुलाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। आत्म आराधना का आत्म ही मंच है,
जिसमें प्रभावों का नारंच प्रपंच है, कोई ना स्वामी जिसमें कोई ना चाकर, कोई ना स्वामी जिसमें कोई ना चाकर, बंसी बजाया तू ही तेरा नटनागर, जिसने भी मुक्ति पाई अस्ति की मस्ती में पाई, अपनी ही महिमा न आई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। जय जिनेंद्र। सुंदर भक्ति अभी हमारे बहन ने ली। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाही, तुझे अपनी ही महिमा ना आई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। ऐसे अनादिकाल से मोह की उन्मत्तता में इस जीव की ऐसी दशा हो रही है, जिसे ज्ञानी जन बारंबार संबोध करके उसे सतपथ का परिचय कराते हैं। अब उसके भाग्य भवितव्य और होनहार है कि वह उस मार्ग को समझ के आत्मकल्याण में बढ़े। ऐसे भाव रखते हुए आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। किसी को जिनवाणी स्तुति यदि लेने का भाव हो तो हाथ ऊपर करें, जिनवाणी स्तुति जो लेना चाहे कोई, तो नहीं तो फिर मैं संक्षिप्त में यहीं से पाठ करूंगा, यदि कोई लेना चाहते हैं तो। चलिए भाव प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य तन्मोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धिव्या। जी आइए, हमें एक दो जनों के मैसेज भी आ गए हैं और बच्चों ने भी हाथ उठाया था, छोटे बच्चों ने। हाँ बेटा तैयार है आपकी? महेंद्र जी क्या से बच्चे लेंगे? हाँ बोलो, चलो आप प्रारंभ करना, अनम्यूट करिए। जय जयेंद्र। करिए बेटा प्रारंभ करिए। का
बहुत सुंदर बेटा, बिना तैयार के तैयार लोग ऐसे काम आते हैं जिनकी तैयारी पहले से हो, है ना। वो छोटे होने से क्या होता है, इनकी तैयारी जब इतने उम्र से अगर अच्छी होगी तो आगे जा करके इस मार्ग पे निश्चित ही आत्मित्व के पंथ पे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। आइए कल सुबह की मंगल तीर्थ यात्रा क्रम में हम सभी एक अक्षय क्षेत्र राजस्थान में है, चंद्रगिरी बैनाड़, इस अक्षय क्षेत्र के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जहाँ मूल नायक भगवान तो हैं, चंद्र प्रभु भगवान मूल नायक हैं, और अनेक वहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं भी हैं, अलग 24 तीर्थंकरों की भी हैं, अन्य अन्य भगवंत भी विराजते हैं ऐसे ऐसे क्षेत्र पर, जहाँ अनेक जनबिंब विराजते हैं इस चंद्रगिरी बैनाड़ क्षेत्र पर। कल हमारे साथ कलकत्ता से मैं भरत भाई जी खारा का परिवार आमंत्रण कर्ता के रूप में है, इसकी सूचना आपको अभी कुछ देर में स्वाध्याय ग्रुप में प्राप्त होगी। हम कल सुबह प्रातः 7:25 पर इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए चलेंगे। आइए प्रमुखार मंत्र के पाठ पूर्वक पंच परमेष्टि के स्मरण से काय उत्सर्ग करते हैं। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूढम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूढम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूढम। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देवशात गुरु भगवान की जय हो, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। इस तरह ब्रह्म स्वरूप में अपने आत्म तत्व का परिचय निर्णय और वितरागी भगवंतों के समार्ग का अनुसरण करके हम और आप सभी मोह कर्म का भाव करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त करें और शीघ्र सिद्धत्व दशा की प्राप्ति के साथ शाश्वत सुख का भोग प्राप्त करें, इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।